यो व्हाट इज़ अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पांच वियर्ड बट अमेजिंग थिंग्स जो आपको माइनक्राफ्ट में पता होनी चाहिए। नंबर वन, तो गाइस अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं एक ग्लोइंग साइन बोर्ड। तो उसके लिए क्या करना होगा गाइस, आपको सबसे पहले एक साइन बोर्ड लगाना है, उसके ऊपर आपको कुछ भी लिख लेना है, मतलब कुछ भी लिख सकते हो आप। लिखने के बाद क्या करना है गाइस, कोई भी डाई उसके ऊपर लगा देनी है और फिर फाइनल वर्क आपको ग्लोइंग सेक से मतलब उसको एक बार हिट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, यहाँ मतलब ये लाइक कलरफुल हो गया और इधर क्या लिखा है सब्सक्राइब, इधर लाइक। आपने नहीं किया अभी तक वीडियो को, कर दो फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। नंबर टू गाइस, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई भी ग्राउंड में एक छेद करना है और उसके सेंटर में आपको पानी डाल लेना है, और उसके बाद अगर आप उस पानी पे रॉकेट छोड़ोगे तो वो रॉकेट मतलब अब टेढ़ा जाएगा गाइस, मतलब उसका जो एंगल होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये देख सकते हो आप, ये कितने टेढ़े जा रहे हैं। तो ये मतलब कोई खास फैक्टर नहीं था, पर हाँ ये अगर आपको मतलब आपने रॉकेट को थोड़ा टेढ़ा छोड़ना है तो ये आप कर सकते हो इसकी मदद से। तो गाइस अब चलते हैं अपने नंबर थ्री फैक्ट की तरफ। सो गाइस, फैक्ट नंबर थ्री ये कि आप देखो सामने ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ कोई सांप है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, किसी भी जानवर को लीड से बांध दो और उसके बाद उसके ऊपर इनविजिबिलिटी पोर्शन मार दो, तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कोई सांप यहाँ से मतलब भागने की कोशिश कर रहा है। और मतलब यहाँ मैंने एक लामा रखा है तो मैं उसको राइड भी कर सकता हूँ, तो मतलब अभी राइड करने का मतलब नहीं पर यार ये मतलब बहुत ईजी होता है चीज़, अगर आप इससे मतलब अपने फ्रेंड्स को ट्रोल भी कर सकते हो। सो गाइस, नंबर फोर फैक्ट ये, अगर आप मतलब आपको पता है लाइट के लिए अपन नॉर्मली टॉर्च लगाते हैं, पर एक बहुत ही मस्त चीज़ मेरे को अभी पता चली है, अगर आप टॉर्च की जगह सी पिकल्स लगाओगे इस टाइप से कुछ पानी में, तो ये मतलब ज़्यादा रोशनी करेंगे एक टॉर्च के मुकाबले। चार सी पिकल्स एक टॉर्च के मुकाबले ज़्यादा रोशनी करेंगे और ये थोड़े कॉम्पैक्ट भी होते हैं और मतलब अच्छे भी दिखते हैं लगाने में। तो अगली बार से अगर आप कहीं भी माइनिंग वगैरह पर जाओ और पानी हो पास में, तो टॉर्च को हटा के सी पिकल्स लगाना मत भूलना। नंबर फाइव गाइस, माइनक्राफ्ट में ये मतलब जो मेरे सामने ये जो स्ट्रक्चर है, ये सबसे रेयरेस्ट स्ट्रक्चर है माइनक्राफ्ट में। मतलब पहले एक स्पॉन हंट मतलब सबसे रेयर होता था, पर अब माइनक्राफ्ट 1.17 में ये मतलब इतना रेयर है कि आपको मतलब सीधे सीधे तो दिखेगा ही नहीं। तो इसमें कुछ नहीं होता ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एक बेड होता है, इसके पीछे कोई भी एक डिज़ाइनर मतलब आप हो सकते हो वूल वगैरह कुछ होता है, इधर चेस्ट और फर्नेस होते हैं और रेडस्टोन टॉर्च। मतलब ये सही में आप अगर ढूंढोगे तो भी आपको ये नहीं मिलने वाला ये स्ट्रक्चर, क्योंकि इतना रेयर है ये स्ट्रक्चर का। यही था अपने पांच वियर्ड बट अमेजिंग थिंग्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।